विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और सदन अब से थोड़ी ही देर बाद सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। 11 बजे का समय रखा गया था सदन की कार्यवाही का, कार्यवाही अब से थोड़ी ही देर बाद शुरू होने वाली है। आज सरकार महिला सुरक्षा समेत कई जरूरी मुद्दों पर चर्चा करना चाहेगी, तो वहीं विपक्ष यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। यमुना का पानी लेकर बीजेपी विधायक सदन में अंदर जाने वाले हैं। कुल मिलाकर आज भी सदन में हंगामे के पूरे पूरे आसार हैं। बीते दो दिनों की कार्यवाही के दौरान सदन में जो हंगामा देखने को मिला वो तो हम सभी ने देखा कि किस तरह से दो दिनों तक लगातार सदन हंगामे की भेंट चढ़ा। केजरीवाल इस्तीफा दो। दिल्ली सरकार की रिपोर्ट आ गई है, इधर देखो सर, इधर केजरीवाल की सरकार, राजेंद्र जी इधर देखो, इधर 100% और ज्यादा जहरीली हो गई है। इस पानी को पीकर दिल्ली के लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, लीवर और किडनी खराब हो रही है, लोगों के पेट खराब हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 2500 करोड़ रुपया दिया है, उसका हिसाब अरविंद केजरीवाल की सरकार दे नहीं रही है। आज इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के विधायक विधानसभा के अंदर उठाएंगे। यदि हमें इस मुद्दे को उठाने की अनुमति नहीं मिली तो हम दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऑफिस के बाहर धरना लगाएंगे, क्योंकि दिल्ली के लोग जो हैं आज यमुना के इस जहरीले पानी को पीकर बीमार हो रहे हैं, उनके पेट खराब हो रहे हैं, लीवर और किडनी खराब हो रही है। और तो ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं दिल्ली विधानसभा के बाहर की, जहां पर बॉटल्स में यमुना का पानी लेकर पहुंचे हैं बीजेपी के विधायक। हालांकि ये यमुना का पानी जिस रंग का नजर आ रहा है, ये हैरान करने वाली बात है कि इसी यमुना के पानी को हम अपने घरों में पीते हैं, दिल्लीवासी इसी पानी का सेवन करते हैं। हालांकि प्यूरिफाई होने के बाद ही ये पानी घरों तक आता है, बावजूद इसके यमुना की सफाई का मुद्दा अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे को उठाने की, इसी मुद्दे को भुनाने की कोशिश आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तरफ से हो रही है। हालांकि बीजेपी के 3 विधायक ऐसे थे जिन्हें कल सदन की कार्यवाही से एक दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया था, मार्शल आउट कर दिया गया था स्पीकर की ओर से, क्योंकि वो हंगामा ज्यादा कर रहे थे। उसके बाद बीजेपी के जो अन्य विधायक हैं उन्होंने भी वॉकआउट कर लिया था। अब आज देखना होगा कि आज जो बीजेपी के विधायकों को मौका मिलता है अपनी बात रखने का, तब वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कौन से मुद्दे उठाते हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही है। और भ्रष्टाचार का मुद्दा जैसे ही बीजेपी उठाती है, आम आदमी पार्टी को लगता है कि ये व्यक्तिगत हमला हो रहा है और व्यक्तिगत हमला करार देते हुए आम आदमी पार्टी बीजेपी को उसका पक्ष नहीं रखने देती। वहीं आम आदमी पार्टी जब महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठाना चाहती है, आम आदमी पार्टी जब उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र पर बात करना चाहती है, तो बीजेपी के विधायकों की तरफ से हंगामा शुरू हो जाता है। कुल मिलाकर हंगामा दोनों ही पार्टी के विधायक करते हैं और इस हंगामे की भेंट चढ़ जाती है पूरी की पूरी सदन की कार्यवाही, और उसके बाद कोई सार्थक चर्चा नहीं हो पाती। दिल्ली सरकार पर बीजेपी का हमला यही है कि इतने लंबे समय तक यमुना को प्रदूषण से नहीं बचाया गया, 8 साल बीत गए लेकिन अब तक यमुना का पानी बहुत गंदा है। 8 सालों का हवाला दे रही है भारतीय जनता पार्टी और पूछ रही है कि केंद्र सरकार के 2500 करोड़ रुपए खर्च कहाँ किए। सवाल उठा रही है बीजेपी कि केंद्र सरकार से 2500 करोड़ रुपए लेकर यमुना की सफाई का काम जो कागजों पर करवाया गया, तो फिर यमुना साफ क्यों नहीं हुई। यमुना के बढ़ते प्रदूषण को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज हमलावर नजर आ रही है और यमुना में प्रदूषण का मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुद्दा है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लिए जो मुद्दा है वो है एलजी का अधिकार क्षेत्र। वो बार बार कह रहे हैं कि एलजी उन्हें धमका रहे हैं कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनने देंगे, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो,
एमसीडी के चुनाव हों, हर चुनावों में उपराज्यपाल की भूमिका जो है वो संदेहास्पद रही है, ये कहना है आम आदमी पार्टी का। इस बीच बीजेपी एक बार फिर से दिल्ली सरकार पर, आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर निशाना साध रही है। बीजेपी विधायकों का कहना यही है कि दिल्ली को यमुना का जहरीला पानी पिलाया जा रहा है। हानिकारक सब्जियां जब पैदा होती हैं, इसी पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए किया जाता है, और जब खेतों में ये काला पानी पहुंचता है तो आप खुद सोचिए कि सब्जियां किस तरह की उगती होंगी, वो अनाज किस तरह का उगता होगा, और दिल्ली की भूमि पर पैदा होने वाले अनाज और सब्जियों का सेवन करने वाले इंसानों की क्या हालत होती होगी, ये सोचने वाली बात है। बीजेपी का कहना है कि यमुना की गंदगी जैसे मुद्दे पर हम कॉलिंग अटेंशन मोशन लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों का जहरीला पानी, 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 अरविंद।